हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवांगी। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। आलू मटर वैसे भी हमारे घर में हमेशा ही रहते हैं और इस सब्ज़ी को बच्चे भी खाना पसंद करते हैं। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने सामग्री ले ली है: 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, धनिया पत्ती, कुकिंग ऑयल, 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्च जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है, टमाटर की प्यूरी, मटर ले ली है और मैंने मसालों में लिया है जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक ले लिया है। मैंने आलूओं को हाथ से तोड़कर मीडियम साइज के टुकड़े कर लिए हैं। आप चाहें तो आलूओं को चाकू से भी काट सकते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम उसमें जीरा मिलाएंगे और जीरा को 10 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। जीरा के फ्राई होते ही हम उसमें कटा हुआ प्याज मिला देंगे और प्याज को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। जब हमारा प्याज 70% पक जाएगा तो हम उसमें कुटे हुए अदरक लहसुन हरी मिर्च मिला देंगे। अब हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च को मिला दिया है, इसे भी लगातार चलाते हुए पका लेंगे। जैसे ये पक जाएंगे तो हम इसमें मटर मिला देंगे और मटर को अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए पका लेंगे। मटर हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसे ढक देंगे। ढक कर लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, वरना हमारी प्याज जलना स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। और अब हमारी मटर पक गई है तो हम इसमें मसाले मिला लेंगे। सबसे पहले हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, नमक स्वाद अनुसार ही मिलाएं और इन सब मसालों को हम 10 सेकंड के लिए ही मिक्स करेंगे, वरना ये मसाले जल जाएंगे। अब मैंने टमाटर प्यूरी मिला दी है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मसालों को लगातार चलाते हुए ऑयल अलग होने तक पका लेंगे। ऑयल अलग होने लगा है, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर फिर से ऑयल अलग होने तक पका लूँगी। इस प्रकार से पकाने से मसालों का स्वाद और भी बढ़ जाता है, मसाला और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब हम इसमें बॉयल किए हुए आलू मिलाएंगे और इन्हें अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। हमारे आलू अच्छे से मसाले में मिक्स हो गए हैं तो अब हम इन्हें 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पका लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, वरना आलू नीचे से जलने लगेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी मिला देंगे। यहाँ पर मैं टोटल 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम सब्जी को ढक देंगे और हाई फ्लेम पर 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। बॉयल आ गया है, अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढककर 10 से 12 मिनट तक और पका लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं सबका ढक्कन हटाऊंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और मैं गैस बंद कर दूंगी। ये ठंडे होने के बाद सब्जी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसमें गरम मसाला मिलाएंगे, ऊपर से धनिया पत्ती मिलाएंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।